करना चाहिए क्या नहीं करना, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो बाबा रोज मुरले में तब कहा भारत गृहस्थ आश्रम है, भारत में शुरू से देवी देवताओं का धर्म है, गृहस्थ धर्म है, संन्यास धर्म नहीं। संन्यास धर्म आधा कलप के बाद शुरू हो गया है। सबसे आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सन्यासी नहीं। तो इस गृहस्थ में रहते हुए स्वच्छता पवित्रता, स्वच्छता पवित्रता की परिभाषा बताया और भी है, वो भी कल बताऊंगा कि गृहस्थ में रहते आज भी आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, सजाना नहीं, सोना बिना कुछ नहीं चाहिए। घर गृहस्थ आश्रम का उसकी एक तरीका बताया कि गृहस्थ को पवित्र बना, पवित्र बना, कुछ करने जाना नहीं, पति के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा पति नहीं। शिव बाबा मन में कोई पूछेगा ये कौन है, हाँ मेरा पति है, ये कौन है, मेरा बेटा है, परिचय देने के लिए जरूर दे दो, लेकिन बुद्धि में याद रखो सदा ही ये शिव बाबा का बच्चा है। ये अगर आपके बुद्धि में, हमारे बुद्धि में धारण होता है तो आज घर में शांति है, आज घर में सुख है। उसी का नाम है गृहस्थ आश्रम, उसी का नाम है पवित्र आश्रम। गृहस्थ आश्रम पवित्र, पवित्र माना मेरा शब्द जहां आया वहां दुख शांति है, जहां मेरा नहीं, भगवान सब कुछ आपका है, बाबा आपका है, ये आपका बेटा है, आपका पति बच्चा है, ये आपका घर है, ये आप सोना है, बाबा ने कहा मुझे दे दो, नहीं चाहिए, आपके पास ही रखो, लेकिन मेरा शब्द नहीं कहना बाबा, ये आपने दिया है। हो सकता है एक अच्छा बताओ, सुनने के लिए अच्छा लगता है कि करने के लिए, कर सकते हैं, नहीं तो आपके भाई जी आप ऊपर बैठ के भाषण करना सहज है, संसार में आओ पता चलेगा। ऐसे कहेंगे ना, बाबा भी ऊपर बैठ के ज्ञान सुनाता है, आप कहेंगे भाई जी भाषण करना हो तो चाहे संसार में रहो तो पता चलेगा क्या होता है। ऐसे कुछ है कभी बताओ, आप समझेंगे ऐसे नहीं। हमने भी बॉम्बे में फैक्ट्री चलाया, किसने किस किस कंडीशन में, ऐसे नहीं हम भी ऊपर से उतरे नहीं है, हम भी संसार में चल के आए हैं। मधुबन में आपको पता होना, जो पहले कुछ लकड़ी से खाना बनता था, लकड़ी ले आकर के खाना बनाते थे, हम भी कर्म करके संगठन में, आज भी मधुबन में 2000 भाई रहते परमानेंट, इतने इतने हजार के एक एक सीजन में 30-30 हजार, उन सबके जंगल में नहीं रहते हैं, हर एक प्रकार की ये पांच वगैरह अलग अलग है, एक कोठी है एक बारीक है, सबके साथ चलना पड़ता है। वो चलने के लिए ज्ञान चाहिए, समझ इनके साथ कैसे, इनके साथ कैसे, ऐसे नहीं अपने आप जंगल में रहे, ऐसे नहीं, सबके साथ रहे।